हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें एनडी टीवी न्यूज़। आज हमारी टीम आई है कांदीवली वेस्ट वार्ड नंबर 20 में। दीपक तावड़े जो नगर सेवक हैं इनके पास हमारे चैनल में इनका पहला इंटरव्यू है। हमने इनसे बातचीत की। इनका कहना है कि बीजेपी पार्टी से ये नगर सेवक है और ये हमेशा अपने सीनियर MLA योगेश सागर और माननीय गोपाल शेट्टी जो MP हैं उनके नेतृत्व में हमेशा काम करते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं देते। इनकी जो जनता इनसे काफ़ी खुश है, इनकी जनता हमेशा इनकी तारीफ़ ही करती रहती। आधी रात को भी आए तो इनका कहना है ऑफिस खुला ही रहता है, कोई भी काम रहता है तुरंत उनका वो काम करके देते हैं। और हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इनका आज का पहला इंटरव्यू है और देखते हैं आगे भी कि ये किस तरह से काम करते रहते हैं। तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम दीपक तावड़े, बाला तावड़े करके सब पहचानते हैं। वार्ड क्रमांक 20 आल साउथ महानगर पालिका जो वार्ड है कांदीवली पश्चिम, वहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और 30 साल से बीजेपी का काम कर रहा हूँ। सर, कि हमने आपके एरिया में सर्वे किया है तो जैसे कि लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप एक लोकप्रिय नगर सेवक है, सबसे पहले तो उसकी वजह जानना चाहेंगे। लोगों का प्यार इसलिए क्योंकि वो जो आते हैं तो उनका छोटे से छोटा काम हुए तो पहले तो उनको सुनने का काम करता हूँ ऑफिस में बैठ के, या फिर एरिया में जब भी जाता हूँ तो कोई भी नागरिक अगर बोलता है साहब मेरी बात कुछ सुनो, तो मैं वहाँ खड़ा रह के उनको सुनता हूँ और जो मेरे से होता है उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का काम वो मैं बड़ी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ, उसके वजह से लोग प्यार करते हैं। सर, अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक सिटी का बहुत इशू चल रहा है लाइट बिल के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक सिटी की जो कंपनियां हैं ग्राहक को बहुत प्रेशराइज कर रही है और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, तो ये जो कंपनियां ग्राहकों के साथ में कर रही है ये किस हद तक अच्छा ठीक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, इसलिए लॉकडाउन 22 मार्च से शुरू हुआ था और 22 मार्च से लेके जून तक पूरा लॉकडाउन था। जून के पहले हफ्ते से हमने धीरे धीरे अनलॉक चालू किया, आज अनलॉक पूरा खुल गया। हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के समय में कंटेनमेंट जोन था जहाँ कोरोना की महामारी ज़्यादा थी और फिजिकली वहाँ जाकर मीटर रीडिंग लेने का प्रॉब्लम था, लेकिन सरकार ने तय किया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो विद्युत विभाग के मंत्री है उन्होंने तय किया था कि हम पिछले अप्रैल मई जून का जो भी एवरेज बिल होगा उस हिसाब से हम बिल भेजेंगे। और उन्होंने शीतकालीन अधिवेशन में घोषणा की थी कि हमने 100 यूनिट तक हम लोगों को फ्री ऑफ चार्ज में बिल में राहत देंगे और जिनके बिल ज़्यादा आए उनको भी हम राहत देने का प्रयास करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। पिछले सप्ताह उन्होंने जो ऊर्जा खाते के मंत्री है राउत साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि ये सब बिल तो आपको भरना पड़ेगा और ये नागरिकों के साथ अविश्वास उन्होंने दिखाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करके हमने उसके लिए आमदार योगेश सागर जी, गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से हमने अदानी जो वेस्टर्न सबब में लोगों को बिजली पुराती है उसके विरोध में हमने आंदोलन किया और लोगों में इसके बारे में बहुत असंतोष है, क्योंकि जिनका 800-900 रुपया बिल आता था उसको 6-6, 7-7 हज़ार रुपया बिल आया है। और सरकार ने कोरोना में तो कोई भी एक पैकेज दिया नहीं, सरकार ने ST महामंडल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके 2 ड्राइवर कर्मचारी की आत्महत्या हुई हो तो उनको 1,000 करोड़ रुपये का ये दिया, अनुदान दिया, लेकिन बिजली के बारे में सरकार ने कोई भी भूमिका दिखाई नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी पर्सनल डायलॉग नहीं है। ये 3 पक्ष की सरकार है, तिगाड़ी की सरकार है और सही मायने में लोगों में बहुत सारा असंतोष है और लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी हमने लोगों से अपील की है कि आप लोग तब तक बिल ना भरें जब तक आपको उसका क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है। जिनको ज़्यादा बिल आए वो हमने अदानी के सभी अधिकारियों से बात की है, उनको रिक्वेस्ट की है कि आप हर एक एरिया में जाकर एक ऐसी जगह पकड़िए कि जहाँ पर जाकर लोगों की आप तकलीफें सुने, उनकी कंप्लेंट सुने
और उसमें से निपटारा करके बिल भरना चाहिए और उसमें जो भी आपको ज़्यादा लगता है उसको सहूलियत देना चाहिए। लाइट बिल के साथ साथ स्कूल का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइवेट स्कूल बच्चों पे बहुत सख्ती कर रहे हैं फीस के लिए, जिनको पेरेंट्स के पास इस टाइम खाने को भी नहीं है तो फीस कहाँ से देंगे। फिर से मैं एक बार इस बारे में कहूँगा कि सरकार का कोई धोरण नहीं है, स्कूलें बंद है, लोगों के रोजगार छूने गए, लोगों को काम धंधा है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी तकलीफें हैं और ऐसे तकलीफ में सरकार ने एजुकेशन के बारे में जो मिसलेनियस फीस आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट फीस आती है, अपना लाइब्रेरी है, ट्रांसपोर्ट है और बाकी की जो फीस लेती है उसको उन्होंने माफ़ करना चाहिए। अभी पहली से पाँचवीं तक तो स्कूल टोटल बंद है, छठी से तुमने ऑनलाइन शुरू किया है, तो जितना ऑनलाइन का खर्चा रहे उतना लेवे तो पब्लिक के लिए सुविधा मिलेगी, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं हम स्कूल चालू करेंगे। दिवाली के पश्चात 23 तारीख डेडलाइन दी थी, कोरोना की महामारी फिर से सेकंड फेज आएगी ऐसा करके अभी वो भी दिसंबर तक उन्होंने टाला है। इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट को कोई मदद नहीं कर रहे, ना गवर्नमेंट में कर रहे ना इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कर रहे। इसलिए नागरिकों में मैंने जैसे पहले बताया कि सरकार ने कोरोना के महामारी में सभी राज्यों में वहाँ के जो भी प्रशासक है मुख्यमंत्रियों ने उन्होंने कुछ ना कुछ पैकेज लोगों के लिए दिया है, तो ये पैकेज अगर देते थे तो ये सब चीज़ आती नहीं थी। सही बात है कि स्कूलों की भी हालत ख़राब है, लेकिन हमारे पास जितने लोग संपर्क करते हैं प्राइवेट स्कूल के, वो हम उस मैनेजमेंट से बात करके, आमदार योगेश सागर जी ने दो दो तीन तीन स्कूल में बात की, गोपाल सिटी ने तीन चार स्कूलों में बात की और काफ़ी लोगों को राहत देने का काम किया और मैनेजमेंट भी उसी के लिए तैयार हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी ठोस सूचनाएं उन इंस्टीट्यूट को जाती नहीं है और ये काफ़ी गंभीर प्रश्न होने वाला है। इसमें सरकार के विरोध में लोगों में चाहे बिजली के बारे में हो या एजुकेशन सेक्टर के बारे में हो बहुत सारी भावनाएँ दिख रही है और उसका आने वाले समय में उसका परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा। तावड़े जी, जैसे कि आज संडे है और लोग संडे में अपनी फैमिली को देते हैं, तो आप आज भी ऑफिस आए हैं और लोगों के बीच में रहते हैं और आपको सादगी में रहते हैं, इसकी क्या खास वजह है? नहीं, ऐसा है, देखो हम तो पहले से सादगी में रहते आए और चाहे संडे हो रहे त्यौहार रहे मेरा ऑफिस हमेशा चालू रहता है और मैं हमेशा ऑफिस में सवेरे के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना पड़ता है। अभी मैं दो कार्यक्रम थे हमारे उसकी विजिट में था, नहीं तो मैं 10:30 बजे ऑफिस पे आ जाता हूँ और कोरोना महामारी के समय में भी मेरा 5 महीना कंटिन्यू सवेरे शाम पूरा दिन 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ऑफिस खुला रहता था, क्योंकि लोगों को जो ज़रूरत है उनको पूरा करने का काम लोगों ने जब हमको चुन के दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक नगर सेवक या लोक प्रतिनिधि, हमारे सभी लोक प्रतिनिधि आपको चाहे संडे हो चाहे त्यौहार हो, दिन भर इन पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सरकार का फैसला किस हद तक ठीक है या फिर लोग आपके वार्ड में भी मंदिर है मस्जिद है तो ये लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इस बारे में क्या कहना? 100% मंदिर खोला ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं सरकार का उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। लेट आया सरकार ने लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि हमने सब जगह का बाकी सब चीज़ खोल दिए, सिर्फ मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ये तो लोगों के आस्था का स्थान है और हिंदुस्तान आस्था के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए ये आस्था के स्थान खोलने से मुझे नहीं लगता है कि कोरोना के प्रादुर्भाव में कुछ बढ़ोतरी होगी। देखो सरकार कह रही थी कि दिवाली के पश्चात दूसरी स्तंभ में कोरोना आएगा, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और जब हमने सब खोल दिया है, बसें तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुल फ्लेश में चला रहे हो, ट्रेनें चला रहे हो, बाकी सब चीज़ें कर रहे हो, 100% तुमने सब जगह पे अलाउड किया है कि वर्क प्लेस पे सभी लोगों को जाना चाहिए, तो फिर मंदिर और मस्जिद में जाने में कौन सी तकलीफ है? जो सरकार की गाइडलाइंस है वो तो हर जगह फॉलो करते हैं, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, लोगों को अपनी जवाबदारी मालूम है और मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना माझी कुटुंब माझी जवाबदारी, तो लोगों ने तो माइंडसेट बना लिया भाई सरकार की तरफ से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरा परिवार तो मेरी ही जवाबदारी है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए मंदिर मस्जिद ये आस्था के स्थान है और ये खुले उसके वजह से पब्लिक में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो वहाँ जाके मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इम्यूनिटी बूस्टिंग में पावर मिलेगी, आदमी को शांति कहाँ मिलती है, मंदिर और मस्जिद में ही मिलती है।
और एक सवाल था जी कि जैसे कि हमारे सर्वे के दौरान ये भी पता चला है कि आपने ग्राउंड लेवल पे जब कोविड महामारी जब चल रही थी तो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों की रास्ते पे उतर के आपने मदद की है, तो लोग जब खिड़की से झांकने के लिए भी डरते थे तो तब आप रोड पे उतरे थे, तो ये हिम्मत और ये ताकत आपको कहाँ से मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मैं तो कहूँगा मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे 84 नगर सेवकों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है और ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। जब समाज के ऊपर कुछ ऐसा संकट आता है, और कोरोना महामारी ये तो वैश्विक महामारी थी, इस समय में लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। पहले 15 दिन लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उसके बाद उनके पास पैसे का दिक्कत हो गया, खाने की दुर्लभ। मेरा एरिया तो ऐसा है, सब झुग्गी झुग्गी वाला 80% एरिया है, वहाँ सब हाथ पे काम करने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। जब गवर्नमेंट में उनको अपने गांव जाने के लिए परमिशन की तो उनको जो मेडिकल का सर्टिफिकेट लगता था उसको मुआवजा करने के लिए, डॉक्टर लोग भी डर रहे थे हम किस प्रकार से। उस समय में अगर हम जनप्रतिनिधि किसके लिए रहते, जनप्रतिनिधि का काम है कि लोगों को जो भी तकलीफ हो उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, और वो काम हम नहीं करेंगे तो फिर हमको कोई अधिकार नहीं। हमने वो प्रयास किया, बड़ी ईमानदारी से प्रयास किया और लोगों को वो अच्छा भी लगा, और ये ज़रूरत थी। और उस समय की सिर्फ ये कोरोना महामारी नहीं, उसके पश्चात जब बारिश सीजन चालू हुआ तभी भी हमने लोगों के घर पर जाकर जिनको जिनको तकलीफ हुई वहाँ जाकर हमने खड़ा होने का काम किया है, और ये करना पड़ेगा, सभी ने करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम सार्वजनिक जीवन जीते तो ये बहुत सारी पब्लिक की जो तकलीफें रहती है वो हम अपनी तकलीफ समझ के जब तक काम नहीं करेंगे तो उसमें से आपको कुछ सफल नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है, और वो करना ही चाहिए, हमारी नैतिक जवाबदारी होती है। जैसे कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और लोग रास्ते पे उतर चुके हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और लोगों के दिलों से ये डर निकल चुका है कि कोविड अभी जहाँ तक ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो आपकी जो जनता है, जो प्रतिनिधि है, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और कोविड ये अभी तो ख़त्म होगा ऐसा दिखता भी नहीं, जब तक इसकी दवा नहीं आती है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है। कल माननीय पंतप्रधान जी ने हमारे जो 3 इंस्टीट्यूट है बड़े जो दवा बनाते हैं, वो तीनों इंस्टीट्यूट का उन्होंने खुद जायजा लिया है, और इस जायजे में उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि किस प्रकार से अब दवा जब आएगी तो लोगों तक पहले पहुँचाने का काम हम करेंगे, छोटे से छोटे लोगों को दवा मिले इसका काम करेंगे। लेकिन तब तक के लिए पब्लिक ने, जो जनता है, उन्होंने अपना ख्याल अपने को खुद को करना है। मास्क, बिना मास्क के निकलना नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, घर में जब हम बाहर से घर में जाते हैं तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। ये जो प्रिकॉशन है, तीन ही चीज़ आपको कोरोना महामारी से बचा सकती है और उसका पालन करना चाहिए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666477110। धन्यवाद।